की तरफ से कुछ नवाचार किया जा रहा है, 3R पार्क क्या है और जी कब से इस पे काम करें? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं, उसी के अंतर्गत हम लोग 3R पार्क, आर का मतलब यहाँ पे है जो खराब चीज़ें हो चुकी हैं या फिर जो हमारे घरों से निकलने वाला सूखा कचरा है जिसमें प्लास्टिक, लोहा लंगड़, कांच की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें इत्यादि शामिल होती हैं, उन्हीं से कुछ नई चीज़ें बनाया जाना जिसमें हम चीज़ों को रिसाइकल करते हैं, रीयूज़ करते हैं, वो इसी थीम के ऊपर एक हम छोटा सा पार्क बनाएंगे जो बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा और लाडली वाटिका में हम लोगों ने इसे बनाने का प्लान किया है। क्या कुछ रहेगा इसमें, किस किस तरह के काम किए जाएंगे? कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो पुराने टायरों से बनेंगे और कुछ कबाड़ की जो लोहे का सामान होता है उससे कुछ हम आकर्षक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके क्या कोई स्वच्छता सर्वेक्षण पॉइंट वगैरह मिलते हैं क्या? जी बिल्कुल, स्वच्छ सर्वेक्षण का एक पूरा पार्ट है जिसमें 3R के तहत कुछ अंक निर्धारित किए गए हैं और उन अंकों का लाभ हमें ज़रूर मिलेगा। जैसे कि सेल्फी पॉइंट, ये कहाँ पर बनने वाला है? सेल्फी पॉइंट ये है कि हर नगर में आजकल स्थापित किए जा रहे हैं और इसी के चलते हमने भी अपने अशोकनगर की एंट्रेंस पॉइंट जो कि राजमाता चौराहा है वहाँ पे हमने प्लान किया है कि एक सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। ये कब तक हो जाएगा ऐसे मिनिमम? अप्रैल लास्ट तक हम इसे बना लेंगे। कोई लाइटिंग वगैरह के लिए भी कुछ है? जी, नगर में प्रकाश व्यवस्था के लिए भी प्लान किया हुआ है जिसकी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जैसे ही नवीन लाइटें प्राप्त होंगी हम शहर के नवीन मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे।